नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सब लोग बहुत ही बेसब्री से GDS साइकिल 5 का सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आलोचना करेंगे कि GDS साइकिल 5 का सेकंड लिस्ट कब डिक्लेयर होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर होने में बहुत ही लेट हो रहा है, रिजल्ट डिलेड हो गया है। तो दोस्तों, कब रिजल्ट आएगा इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इतना लेट क्यों हो रहा है रिजल्ट, ये भी आज जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, और एक खास बात इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, वो है सेकेंड लिस्ट जो निकलने वाला है उसका कट ऑफ क्या जाएगा, मतलब कि सेकेंड लिस्ट में जो सारे कैंडिडेट्स सिलेक्टेड होंगे उनका 10th में मार्क्स कितना होगा और क्या अब इंतजार खत्म हो गया है। तो दोस्तों, ये सारे चीज इस वीडियो में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि GDS साइकिल 5 का फर्स्ट लिस्ट बहुत दिन पहले ही डिक्लेयर हो गया है और फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट भी चला गया है और अब सेकेंड DV यानी कि सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सेकेंड DV का लास्ट डेट क्या है वो इस चैनल पर उस विषय पर ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है, फिर बता देता हूं। सेकेंड डीवी का लास्ट डेट दिया गया है 14 अप्रैल, मतलब कि जो सारे कैंडिडेट्स के मैसेज पर मैसेज फोल्डर पर मैसेज आया है या फिर ईमेल आईडी में ईमेल आया है सेकेंड डीवी के लिए, तो उन सारे कैंडिडेट को 14 अप्रैल के अंदर जाकर जहां पर बोला गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए वहां पर जाकर सेकेंड डीवी कंप्लीट करना होगा। सेकेंड डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, और सेकेंड डीवी का क्या कुछ एक्सपीरियंस है, A to Z होल प्रोसेस सेकेंड डीवी का, वो पहले ही वीडियो में आलोचना किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग चैनल विजिट कर वो वीडियो देख सकते हैं या फिर आप कहे तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, या फिर आप GDS डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्लेलिस्ट है वो चेक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 14 अप्रैल सेकेंड डीवी का लास्ट डेट है, मतलब कि अब सेकेंड डीवी चल रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि GDS साइकिल 5 का सेकेंड लिस्ट कब निकलने वाला है। तो दोस्तों, उससे पहले देखेंगे कि GDS साइकिल 5 का जो सेकेंड लिस्ट निकलने वाला है उसमें कट ऑफ क्या जाएगा। तो दोस्तों, इधर पर देखिए, ये आंध्र प्रदेश साइकिल का लिस्ट 1 है, ठीक है, मतलब कि साइकिल 5 का फर्स्ट लिस्ट का आंध्र प्रदेश साइकिल का एक कैंडिडेट्स का लिस्ट है। तो इधर पर देखिए, फर्स्ट डीवी का लास्ट डेट था 21 मार्च 2023, और इधर पर सब कुछ दिया गया है, कैंडिडेट्स का नाम, ठीक है, पोस्ट का नेम, उनका जो 10th में मार्क्स था वो, ठीक है। तो इधर पर देखिए, ऑल 100%, ठीक है, सब 100%, इधर पर 99.8333%, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप कोई भी सर्किल का फर्स्ट लिस्ट डाउनलोड करें तो यही देखेंगे कि लगभग हर सर्किल का फर्स्ट लिस्ट में लगभग हर कैंडिडेट्स का 10th में मार्क्स 100% है। तो दोस्तों, आपके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप डरिए मत, क्योंकि 100% 10th में सबका नंबर नहीं है। ये जो आप 100% देख रहे हैं ना, ये सब फेक है, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्टेड हो गया है। तो दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्टेड हो गया है और बहुत सारे कैंडिडेट भी तो फर्स्ट डीवी में गए ही नहीं थे, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट जो था सब फर्जी था, इसलिए वो लोग डीवी में नहीं गए, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर हम लोग डीवी में जाते हैं तो अरेस्टेड हो सकते हैं। तो ऐसा भी खबर आया था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो फर्स्ट डीवी में जा रहे थे फेक मार्कशीट या फिर डॉक्यूमेंट्स बनाकर, ठीक है, वो सब अरेस्टेड हो रहे थे और उनको थाना भेज दिया जा रहा था अरेस्ट करके डिवीजन ऑफिस से ही, ठीक है, मतलब कि अगर फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर कोई जाता है तो वो घर नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि उधर से ही उनको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फर्स्ट डीवी में कितने सारे कैंडिडेट्स रिजेक्टेड हुए हैं और कितने सारे कैंडिडेट फर्स्ट डीवी में एब्सेंट थे। तो दोस्तों, इसका तो कोई ऑफिशियली कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं दिया गया है कि इतना नंबर्स का कैंडिडेट, इतना संख्या कैंडिडेट रिजेक्टेड हुए हैं और इतना सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए हैं, ऐसा कोई नंबर डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफिशियली नहीं दिया गया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन का जो जनरल सेक्रेटरी है SS महादेवैया सर, उन्होंने वार्ता देकर ये बोला है कि लगभग 16 से 17 हजार कैंडिडेट्स ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि 40,000 से ज्यादा वैकेंसी निकला था साइकिल 5 में, और उनमें से फर्स्ट लिस्ट में जो सारे कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए थे उनमें से 16 से 17 हजार सिर्फ कैंडिडेट
ठीक है, सिर्फ 16 से 17 हजार कैंडिडेट ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि 50% मतलब कि आधा से भी कम कैंडिडेट गए थे फर्स्ट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सेकेंड लिस्ट में हर कैंडिडेट का सिलेक्टेड होने का चांस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि एक तो फर्स्ट लिस्ट में जो सारे कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए थे उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ज्यादा मात्रा में रिजेक्टेड हो गए हैं, और भी बहुत सारे कैंडिडेट वो तो गए ही नहीं थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, क्योंकि उनका जो मार्कशीट था या फिर और कोई भी डॉक्यूमेंट था वो सारे फेक था। और ऐसा भी बहुत सारे कैंडिडेट पाया जाता है जिनको GDS में काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो ये समझ नहीं आता कि इंटरेस्ट जब नहीं है GDS में काम करने का तो अप्लाई क्यों करते हैं। और जो ऑरिजिनली एलिजिबल कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट्स ऑरिजिनली GDS को ज्वाइन करना चाहते हैं और GDS का काम को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग तो वंचित हो जाते हैं ना, तो उन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या फिर हो पाता भी है तो लेट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा ना करें, अगर आप GDS ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं ठीक है, तो खमोखा अप्लाई करके वक्त बर्बाद ना करें, और जो कैंडिडेट्स ओरिजिनली एलिजिबल है, जो लोग चाहते हैं GDS ज्वाइन करना, उनको ज्वाइन करने दें। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए हैं कि 40,000 से ज्यादा जो वैकेंसी निकला था GDS साइकिल 5 का, तो उनमें से आधा से भी कम लोग गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, मतलब आधा से भी ज्यादा वैकेंसी अभी भी है, तो सेकेंड लिस्ट में वो वैकेंसी पूरा किया जाएगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स सेकेंड लिस्ट में चांस पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट में आप जो देख सकते हैं ना 100%, 100%, तो सेकेंड लिस्ट का कटअप कम जाएगा फर्स्ट लिस्ट से। ठीक है, इतना 100% तो नहीं दिखेगा मेरिट लिस्ट में, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ठीक है 100% भी दिखेगा नंबर कुछ कुछ जगह पर, लेकिन सब 100% नहीं दिखेगा, और जो कट ऑफ है वो फर्स्ट लिस्ट से कम जाएगा। तो साइकिल 5 में लास्ट लिस्ट तक क्या कट ऑफ जाएगा वो विषय पर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप चैनल विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लिस्ट है ना उसमें कट ऑफ हाई जाता है, सेकंड लिस्ट में उससे कम जाता है, थर्ड लिस्ट में कम जाता है उससे भी, और ऐसा करके लास्ट लिस्ट तक बहुत ही कम चला जाएगा। और इस चैनल पर जो कट ऑफ लिस्ट दिया गया है, धीरे धीरे वो कट ऑफ लिस्ट ठीक है इम्प्लाई होगा, मतलब कि धीरे धीरे जो कट ऑफ लिस्ट इस चैनल पर बोला गया है इतना कट ऑफ जाएगा, धीरे धीरे फिफ्थ लिस्ट तक या फिर सिक्स लिस्ट तक जितना भी लिस्ट निकलेगा उनका जो कट ऑफ होगा वो और इस चैनल पर जो कट ऑफ बोला गया है वो सेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका सेकेंड लिस्ट में भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंटरी लिस्ट निकलेगा, इस बार भी बहुत सारे लिस्ट निकलेगा, तो सेकेंड लिस्ट में नहीं हुआ, फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ, तो क्या हुआ, फिफ्थ सिक्स लिस्ट तक आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों अब आते हैं ओरिजिनल मुद्दे पर कि यूआर का थोड़ा ज्यादा जाएगा कट ऑफ, ठीक है 96, 7, 8 इतना जा सकता है, मतलब आप मानकर चलिए यूआर का 95 से ज्यादा रहेगा सेकंड लिस्ट में कट ऑफ, और ओबीसी जो है उनका 93 या फिर 94 से ज्यादा रहेगा, एससी एसटी जो है उनका भी इस बार सेकंड लिस्ट में कट ऑफ ज्यादा जाएगा, आप मानकर चलिए अबाउट 90%, ठीक है 90%, 91, 92, मतलब 90% से ज्यादा रहने का चांस है एससी एसटी का। और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स है उनका रिजर्वेशन रहता है अलग से, तो उनका कटअप सबसे ज्यादा कम जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 90% से भी कम मार्क्स में, मान ले 87%, 88% इतना मार्क्स में भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा पीडब्ल्यूडी का। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए हैं कि सेकंड लिस्ट में कितना कटअप जाएगा, कौन सी कैटेगरी का, यूआर का ज्यादा जाएगा, ओबीसी का यूआर से कम जाएगा, एससी एसटी का तो और भी कम जाएगा, और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स होता है उनका सबसे कम कट ऑफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप रेडी होकर रहिए सेकंड लिस्ट के लिए। तो अब आते हैं कि सेकंड लिस्ट कब निकलने वाला है और सेकंड लिस्ट का निकलने में इतना देर क्यों हो रहा है। तो दोस्तों आप अभी भी अगर इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो विजिट करें तो आप देख सकते हैं कि इधर पर फर्स्ट लिस्ट ही डिक्लेयर किया गया है, सेकंड लिस्ट का कोई नामो निशान नहीं है। इधर पर देखिए लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज रिलीज्ड फॉर ऑल सर्कल्स, मतलब कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है फर्स्ट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन सारे कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है वो सब सर्कल के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन सेकंड लिस्ट अभी तक भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे कि सेकंड लिस्ट कब निकलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही 2022-23 जो फिनेंशियल ईयर है, ठीक है फिनेंशियल ईयर का लास्ट दिन था कुछ दिन पहले ही, तो आप लोग जानते हैं कि अगर कोई फिनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च महीने में,
तो डिपार्टमेंट में काम ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शन का कुछ मैटर होता है, और कुछ दिन पहले ही रूल 3 साइकिल का साइकिल 2 का काम चल रहा था ट्रांसफर के लिए। तो ये सारे काम हैंडल करते हैं सीपीटी, मतलब कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजीज, और सीपीटी ही जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल ऑपरेट करते हैं, और वो लोग पोर्टल पर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो दोस्तों सीपीटी कुछ दिनों से ही बहुत बिजी है, इसलिए वो लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर नहीं पा रहे हैं, जैसे कि खबर है। ठीक है, कि सीपीटी का रिजल्ट सब कुछ तैयार है, लेकिन पोर्टल में अपडेट करना बाकी है, क्योंकि कुछ प्रोसेसिंग है उनका, वो अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों डिपार्टमेंट की कुछ बड़ी अधिकारी और कुछ सर से हमारा बातचीत है, और उनसे ये जानकारी निकल कर आया है कि रिजल्ट कब आप कभी भी निकल सकता है। तो बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इस हफ्ते में ही, ठीक है, दिस वीक रिजल्ट निकल जाएगा। तो ऐसा तो कोई फिक्स डेट नहीं बोला जा सकता कि इस दिन पर रिजल्ट आएगा। अगर कोई बोलता है गारंटी के साथ कि इस दिन रिजल्ट आएगा, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि ये जानकारी से पता होता है सीबीटी की जो सैट्स होता है उनको पता होता है, क्योंकि वो लोग पोर्टल ऑपरेट करते हैं, और बड़े बड़े एसपी एएसपी इनको भी पता नहीं होता है ठीक से कब सेकंड लिस्ट निकलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कोई आपको अगर 100% श्योर होकर बता देता है कि इस दिन रिजल्ट आएगा, तो वो खुद का प्रमोशन के लिए ये सब बोल रहा है। तो उन सारे बात पर आप ध्यान ना दीजिए, ठीक है, आप वेट करें। आशा है कि इस हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और AIGDSU यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन का जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने भी संदेश दिया है कि बहुत जल्द ही इस हफ्ते में ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और कल, ठीक है, यानी कि जो 5 अप्रैल या फिर उनसे एक दो दिन बाद, ठीक है, एक दो दिन के अंदर ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने ऐसा भी बोला है कि कल भी हो सकता है, लेकिन उनको भी 100% अश्योरिटी नहीं है कि कल ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, उन्होंने बोला है कि रिजल्ट एक हफ्ते में ही डिक्लेयर होने का चांस ज्यादा है, और कुछ सर उनको भी बोला है कि 5 अप्रैल या फिर एक दो दिन में ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो उन्होंने भी ये श्योरिटी नहीं दिया है कि 100% 5 अप्रैल को ही रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे अच्छा यही तो है कि आप एक हफ्ते का वेट कीजिए। ठीक है, कोई भी 100% श्योर होकर नहीं कह सकता है कि इस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो दोस्तों आप एक हफ्ते वेट कीजिए, एक हफ्ते के अंदर ही, मतलब कि इस हफ्ते में ही, इस वीक में ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो आप जान चुके हैं कि सेकेंड लिस्ट में कट ऑफ क्या जाने वाला है, और सेकेंड डीबी का प्रोसेस के विषय में अगर आपके मन में कोई डाउट है, तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और सेकेंड डीबी के क्या कुछ है, क्या कुछ एक्सपीरियंस होता है सेकेंड डीबी में, क्या कुछ डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, तो वो सारे चीज पर, टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है इस चैनल पर, तो आप चैनल विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो का मेन जो चीज था एक है कि सेकेंड लिस्ट कब आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप आ गया है कि एक हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, इसका पूरा संभावना है। ठीक है, 100% तो एश्योरिटी नहीं दे सकते कि एक हफ्ते के अंदर ही डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर डिक्लेयर होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट था वो तो निकल गया है। ठीक है, तो कभी भी रिजल्ट आ सकता है, और आप ये भी समझ चुके हैं कि लेट क्यों हो रहा है सेकेंड लिस्ट का रिजल्ट निकलने में, क्योंकि रिजल्ट में प्रोसेसिंग में कुछ अभी भी चीज बाकी है। तो वो लोग वो सारे विषय पर काम कर रहे हैं, और वो अभी बिजी है, क्योंकि फिनेंशियल ईयर का कुछ दिन पहले ही लास्ट डे चला गया है, और उन्होंने रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में भी काम कर रहे थे। तो इसलिए तब जब ट्रांसफर हो रहा था, तो ट्रांसफर के रिजल्ट प्रोसेसिंग करने में वो लोग बिजी थे, तो इसीलिए सेकंड लिस्ट निकलने में देर हो रहा है। और आप ये भी जान चुके हैं सेकंड लिस्ट में कट ऑफ क्या जाएगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो है सेकंड लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स फिर से मौका पाने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट का जो कैंडिडेट्स है उनमें से ही 16,000 से 17,000 कैंडिडेट्स ही सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं, बाकी लोग नहीं गए हैं। और जो लोग गए हैं उनमें से भी बहुत ज्यादा मात्रा में कैंडिडेट्स रिजेक्टेड हो गए हैं। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट क्योंकि एब्सेंट था,
तो वो लोग का तो सिलेक्टेड होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, वो लोग तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो उन सारे कैंडिडेट्स जो लोग एक तो रिजेक्टेड हुए हैं और दूसरे तो नहीं गए हैं, उनके बदले में जो लोग ऑरिजिनली एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका नेक्स्ट मार्क्स वाला, उनको सिलेक्टेड कर लिया जाएगा सेकेंड लिस्ट में, और उनके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा और ईमेल आईडी पर ईमेल चला जाएगा। तो दोस्तों आप पोर्टल रेगुलरली विजिट करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि सेकेंड लिस्ट डिक्लेयर होते ही सबसे पहले आपको इस चैनल पर सूचित किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप सब लोग इस चैनल का जो ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। उधर पर हर नोटिस, ठीक है, जानकारी का कोई पीडीएफ है तो वो सब उधर शेयर किया जाता है। तो आप उधर पर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट है, और इस विषय में मन में कुछ डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।